हाउ आर यू। मैं आज आपको लेसन 17 वीर कुमार सिंह पढ़ा रही हूँ। वीडियो सब लोगे अपने सुमित्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर इस पंक्तियों को पढ़िए। हम स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुर्बत तातियाँ चतुर अजीबुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास जगत में अमर रहेंगे जिनके नाम। वहाँ स्वतंत्रता संग्राम के वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 में व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत ने ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया और मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1947 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गई। कई महीनों तक कोई बात नहीं, मुझे रख दो रख के देख लेना कब तक खड़े रहोगे ना। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर लखनऊ बरेली बुंदेलखंड आगरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तात्या टोपे भक्त खान कुंवर सिंह मौलवी मौलवी अहमदुल्ला बहादुर खान और तुलाराम। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व था। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय था। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन में के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था।
उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई को ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ संविधानी उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की, वहीं उनको हिंदी हिंदी संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने में अधिक उनका मन घुड़सवारी तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, जिससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि उद्योग व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था, रजवाड़ों के दरबारों भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था, जिससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत में से लोहा लेने का संकल्प लिया। जगदीश के जंगलों में बांसुरिया बाबा नाम के एक संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह से में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। क्षेत्रीय उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की क्षेत्रीय योजनाएं बनाई। 1845 से 1846 तक काफ़ी क्षेत्रीय रहे। खूब ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजनाएं बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपने खुद बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले का एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के खेलने के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। July 1857 को दानापुर के सैनिक टुकड़ी के विद्रोह कर दिया और सैनिक सोमी पार कर हारा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए हारा पहुँच कर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौरी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, लेकिन देसी सैनिकों ने अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदार का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वह भावी संग्राम की योजनाएं बनाने में सफल हो गए और तैयारी करने लगे। वे क्रांति के नए संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रावी, कानपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने
ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कृति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिकों एवं राजा कुंवर सिंह की गए अधीनता से लड़े, अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुँचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को परास्त करना। अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी आम कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह की रण कौशल की अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार में अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दी। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी। कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस की को अच्छा मौका मिल गया था। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई की को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगता था कि अब हाथ तो बेकार हो गया और गोली का जहर अभी भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर से कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान कर दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि उनकी
आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उससे एक न एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। वीर कुंवर सिंह उदार एवं अंतिम संवेदनशील, अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबा कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। सर्वचंद्र थैंक यू वेरी मच। आप इस क्लास को पढ़िएगा और अच्छी तरह देखना सकते हैं। बन गई क्या वीडियो बनी?